देश में लगातार किसान नए कृषि कानून बिल को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देश सहित पूरे प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले को कॉर्न मक्का सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन छिंदवाड़ा जिले के किसानों को ही मक्के का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर जिले के सौसर पूर्व बीजेपी विधायक रामराव महाले जिले में किसानों को मक्के का न्यूनतम उचित मूल्य 1,850 रुपए मिले या फिर कोई भावांतर राशि या पैकेज दे जिससे किसानों को राहत मिले। यदि किसानों को ये राहत नहीं मिलती है तो आगामी समय में किसान बहुत परेशान होगा और जिले में किसानों की आत्महत्या चालू हो जाएगी। यह हमारा प्रयास है कि उन्हें राहत मिले। जो न्याय कृषि कानून आया है वो जब लागू होने के बाद उसका परिणाम देखने को मिलेगा। इसी के चलते आज से कलेक्ट्रेट कार्यालय में किसानों और अपने सहयोगियों के साथ आमरण अनशन में बैठे हैं, जिसके बाद जिले के तहसीलदार महेश अग्रवाल ने स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लिया। वहीं पूर्व विधायक का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, हम अनशन पर बैठे रहेंगे। प्रमुख एक ही मांग है, ये जिला प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ मक्के को जो भाव है 1,150-1,200 तक है, जबकि सरकार ने इसकी लागत मूल्य 1,250 निकाला है प्रति क्विंटल। और हमारी प्रमुख मांग यह है कि जो न्यूनतम मूल्य है मक्के का 1,850 रुपया, वो मिलना चाहिए, या सरकार भावांतर दे या कोई पैकेज दे। एक ही मांग मक्के को लेकर ही चल रही है जिससे किसानों को राहत मिले। यदि ये राहत नहीं मिलती है, ये स्थिति आने वाली है, किसान बहुत ही परेशान होगा और किसानों के आत्महत्या जिले में चालू हो जाएगी। ये हमारा प्रयास उनकी आत्महत्या रुके और उनको भाव मिले, और सरकार की घोषणा है भाव देने की, वो सरकार काम करे, उसका बारे में कुछ कह नहीं सकते। जब वो लागू हो जाएगा तो स्वयं किसानों को मालूम हो जाएगा फायदे में है क्या घाटे में। अभी तो लागू ही नहीं हुआ ना, लागू होने के बाद उसका परिणाम दिखेगा। अभी उसके बारे में कुछ कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। कलेक्टर साहब ने तो हमारा ज्ञापन भेजा है मुख्यमंत्री के पास, और कलेक्टर साहब ने कहा है कि भाई मेरे हाथ में नहीं, मैं तो आपकी मांग वहाँ भेज सकता हूँ। उन्होंने अपना दायित्व तो पूरा कर लिया है, अब देखो सरकार क्या करना चाहती है। हमारा आंदोलन तो है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठे रहेंगे। छिंदवाड़ा से महेश चांडक की रिपोर्ट।